हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, या हमारे पास दो कार्ड्स हैं। अब अलग हुए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, सो ओके, आप किसी थर्ड पर्सन की वजह से एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इस पर्सन को कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और आखिर आप कर भी कह सकते हैं अगर ये पर्सन इस डेविल को सुन रहा है तो। किंग ऑफ सॉर्ड्स को भी वही लगता है, किंग ऑफ सॉर्ड्स को लगता है कि उन्हें भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और वो क्या कर सकते हैं जब आप द डेविल की बात सुन रहे हैं तो। ओके, आप दोनों के लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरे के लिए डेविल है। हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर्स की बात आप सुन रहे हो, वो अपने फैमिली मेंबर्स की बात सुन रहे हो। मतलब यहां पर झगड़े का कारण कोई और है, द डेविल, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ओके, और ये थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत इनोसेंट बनती है, अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाती है। एंड आप दोनों में से कोई भी इसके क्या बोला जाए, इसके ट्रिक्स को समझ नहीं पा रहा, इसकी चालों को समझ नहीं पा रहा। और इसी के चलते आपके बीच में ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। मेरे ख्याल से आप बात तक नहीं कर रहे। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब यह है कि आप परफेक्ट हैं एक कपल के तौर पर। आपके जैसा मैच जल्दी नहीं मिलता लोगों को। एंड आपके अंदर वो सब चीजें हैं जो आप एक दूसरे में चाहते हैं। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है, जब आप किसी बात पे आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं या किसी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, उसके बाद चीजों का नॉर्मल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बिल्कुल एक जैसे हैं। आप दोनों के अंदर हाई सेल्फ एस्टीम है, ईगो है, और दोनों को ही लगता है कि इसमें माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ विश फुलफिलमेंट हो रही है। ओके, ये एक अजीब सी रीडिंग है, बहुत अजीब है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्या कर रहा है, चलिए आपके लिए एक मैसेज निकाल के देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मे बी ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपको दूसरे तरीके से बेनिफिट करने वाला है। शायद आप अपने जो रिलेशनशिप से इस वक्त दूर जा रहे हैं, या आपका फोकस अपने रिलेशनशिप पे से हट रहा है, उसके कारण आप अपने करियर पे या वर्क पे ज्यादा फोकस हो जाएंगे। और ये फोकस्ड जो आपका अप्रोच है ये आपको बेनिफिट्स देगा। आप प्रोग्रेस करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और करियर में आप बेटर कर पाएंगे। सो इस पॉइंट पर आपके लाइफ में सारी चीजें खराब नहीं चल रही हैं। ओके, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की। जो आप सोचेंगे वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। सो द डेविल को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि वो बिना वजह आपके बीच में इश्यूज क्रिएट कर सके। द डेविल को ये समझने की जरूरत है कि वो आपके लाइफ को और आपके मूड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। और
इस तरह की चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि आप हमेशा दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आप दोनों ही बहुत ज्यादा डेविल की बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ओके, आप दोनों इसकी हर बात को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वो बातें आपके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही हैं, आप उन चीजों के चलते अपनी पॉजिटिविटी को खो रहे हैं और एक परफेक्ट कपल से आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन रहे हैं। मतलब बस एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने को तैयार। यहां पे कोई भी अफेक्शन नहीं नजर आ रहा है इस वक्त, सिर्फ ब्लेम्स, तुमने ये किया, तुमने ये किया। और कोई भी द डेविल के बारे में बात नहीं कर रहा, आई मीन डेविल ने आपको एक दूसरे की नजर में बुरा बना दिया है और आप ये नहीं समझ रहे कि एक्चुअली में आपको जिससे आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए वो द डेविल है, इसके बजाय आप आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहे सिचुएशन में, मुश्किल है बट अगर आप पॉजिटिव रह सकें तो आगे लाइफ में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं और मैसेजेस आपके लिए। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Swords, Ten of Cups, The Hanged Man. Okay, Ace of Swords. Ace of Swords के साथ सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कुछ बोल दें अपने पर्सन को, या आपका पर्सन आपको कुछ बोल दे जो कि बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल हो और जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपके बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन कट ऑफ हो सकता है, बट आई थिंक लियोज, यहां पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है, आपका पर्सन समझदार है, आपका पर्सन समझता है कि उसे क्या करना चाहिए। ओके, जब एक बार गुस्सा शांत हो जाएगा, जब आप एक बार कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, ये पर्सन फिर से ये समझ पाएगा क्लियरली कि एक्चुअली में क्या हुआ, क्यों हुआ। द डेविल जो है वो एक्सपोज होगा, डेविल के इंटेंशन सामने जरूर आएंगे आपके पर्सन के, और आपका पर्सन वाइज है। इस वीक में वो इमोशंस से गाइडेड नहीं है, वो अपना दिमाग का यूज कर रहे हैं। सो टेन ऑफ कप्स के साथ आपके बीच पैचअप भी हो जाएगा इसी वीक में, आपके बीच में जितनी टेंशन है वो भी हो जाएंगी और उसके बाद एक हैप्पी पैचअप भी हो जाएगा। टेन ऑफ कप्स के साथ आपके पास हैप्पीनेस है, आप इंजॉय कर रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी है। आई थिंक ये एक बहुत अप्स एंड डाउन्स वाला वीक रहने वाला है, आपको बहुत अजीब सी एनर्जी चेंजेस महसूस होंगे, आपको लगेगा कि एक पॉइंट पर कि कुछ भी नहीं बचा आपके लाइफ में इस रिलेशनशिप में, और नेक्स्ट मोमेंट में आपको लगेगा कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी की पावर है और चीजों को चेंज किया जा सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज। Joan of Arc, Voice of Truth, Stand Strong, Focus on Your Purpose, Release the Fear of Persecution and Speak Your Truth. आपको कहा जा रहा है हिम्मत रखिए, स्ट्रांग बनिए,
अपने पर्पस पर फोकस कीजिए कि आपको आपके लाइफ से चाहिए क्या, इस रिलेशनशिप से चाहिए क्या. रिलीज अ फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ. दिल में कोई भी डर है अगर जज होने का या दूसरों के क्वेश्चंस का, तो उसको निकाल दीजिए. अपने मन की बात कहिए, सच्चाई कहिए जो आप फील कर रहे हैं, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा. तो ये थी रीडिंग थर्ड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. नेक्स्ट वीडियो.